अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक के बारे में शेयर करने लगी हूँ वो है मेरी छोटी सी एसेसरीज़, ठीक है। और एसेसरीज़ जो हैं वो इस तरह की हैं कि कुछ पिंस वगैरह हैं, कुछ हेयर बैंड्स हैं, कुछ हेयर क्लिप्स हैं, इस तरह के कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक बॉक्स है और उसके अंदर मैंने अपनी छोटी छोटी एसेसरीज़ इस तरीके से रखी हुई हैं जो कि मेरे हेयर्स को मैनेज करने में काम करती हैं। मैं वैसे तो तकरीबन ऐसा ही होता है कि अपने हेयर ओपन ही रखती हूँ, लेकिन यह है कि कहीं कभी बन बना लेती हूँ तो कभी साइड पे इस तरीके से करके मैं हेयर अपने अटैच कर लेती हूँ। हेयर्स को जिस भी तरीके से बाइंड करने के लिए वो मेरे पास छोटी छोटी एसेसरीज़ मौजूद हैं। मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वो सारी एसेसरीज़। मैंने सोचा कि अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर की जाए कि मैं कौन कौन सी एसेसरीज़ यूज़ करती हूँ, कहाँ कहाँ से ली हैं, अगर उन पर कुछ टैग्स इस तरीके के हैं कि जो मुझे पता चल सके कि मैंने कितने की ली हैं, तो वो भी मैं आप लोगों से सारी उसकी डिटेल शेयर करूँगी। तो जी जनाब, मेरे पास ये इस तरह का छोटा सा बॉक्स है और इसके अंदर मैंने सारी एसेसरीज़ डाली हुई हैं जो कि मेरे हेयर से रिलेटेड हैं। मैं अपने हेयर को जिस तरीके से बाइंड करती हूँ, मैं अपने हेयर को बाइंड करने के लिए जो जो एसेसरीज़ यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, वो सब इसी बॉक्स में मौजूद हैं। तो चलें थोड़ा सा कैमरा दूर करते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये ओपन कर लेते हैं इसको और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी एसेसरीज़ हैं। ये देखें, इस तरीके से मेरे पास ये सारा कुछ इस तरीके से फिल हुआ हुआ है और मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें से काफ़ी कुछ सामान जो है वो उतार के वो भी बीच में मिक्स हुआ हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, मेरे पास ये इस तरह की टू पिंस हैं, ठीक है। ये इस तरह की पिंस हैं मेरे पास। आप इस तरीके से अपने हेयर को इस तरीके से बाइंड करके और उसके बाद ये पिंस यहाँ पर लगा सकते हो आराम से। ये देखें, ये पिन इस तरीके से लगा सकते हो और आपका जहाँ दिल चाहे आप हाफ जो है अपने बालों को पीछे की तरफ यूं करके भी पिन लगा सकते हो, जिस तरीके से मर्जी आप लोगों का दिल चाहे। ये देखें कितनी प्यारी सी हैं। ये मैंने पिन्स खाड़ी से ली थी, बहुत ही मज़े के मुझे ये दोनों क्लिप्स लगे हैं। ये देखें, ये इस तरीके से ओपन होती हैं, बहुत ही मज़े की हैं। आप खाड़ी पर जाएँ, डिफरेंट कलर्स की काफ़ी सारी पिन्स पड़ी हुई हैं, आप लोग भी देखिएगा और मज़ीद इंजॉय करेंगे आप लोग। और ये देखें, ये मेरे पास छोटू सी पिन है। ये देखें, इस पर टेडी बियर बना हुआ है। ये देखें, ये इस तरीके की पिन है, ये भी बहुत ही प्यारी और क्यूट सी पिन है ये मेरे पास। ये मेरे मेहमान भी लगा लेती है और मेरे मेहमान की अम्मा भी लगा लेती हैं अक्सर। अच्छा जी, और ये मेरे पास हैं फ्लावर्स, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं फ्लावर्स। ये देखें, ये इस तरीके से पिंस हैं। ये मेरे पास दो फ्लावर हैं। जब मैं येलो कलर का कोई भी ड्रेस वेयर करती हूँ तो मैं अपने पीछे आगे कहीं पर भी कुछ भी करके किसी भी तरह से बाल बना के और फिर मैं इनको लगा लेती हूँ। ये बहुत ही प्यारी सी लुक देते हैं आपके ड्रेस के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आपने ब्लैक कलर का ड्रेस वेयर किया हो तो भी आपको पता है येलो कलर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है आपको। तो जी जनाब, नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, ये बहुत ही प्यारी पिन है, ये बच्चा पार्टी से मैंने ली है। ये देखें, ये इस तरीके से ओपन होती है। ये देखो, आगे इसकी बहुत ही प्यारी सी कैरेट बनी हुई है, इस तरीके की पिन है। ये भी आपको मैं लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह लगती है। ये भी मेहर मेहमान के फेस पर बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। और अगर आपके पास पिंक और ऑरेंज कलर का ड्रेस है तो भी आपके फेस पर आपके ड्रेस के साथ ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। इस तरीके से चुटकी की वाली पिन है। अगर आप अपने बच्चों के इस तरह की पिंस लें तो बहुत ही प्यारी लगती हैं बच्चों को ना। और उसके अलावा ये देखें, एक पिन मेरे पास ये है, वो भी सेम वैसे ही है जैसे मैंने वो लगा के आप लोगों को दिखाई थी। इसके ऊपर भी इस तरह से स्माइली फेस बना हुआ है और इस तरीके की ये पिन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। अच्छा जी, और मेरे पास ये इस तरह की ये पिन है, इस पर फ्लावर बना हुआ है। ये देखो आप, बहुत ही प्यारा रोज़ बना हुआ है इसके ऊपर। ये भी इस तरीके का, जब आप कोई भी ड्रेस वेयर करते हो तो आप किसी भी तरीके के अपने हेयर बना के और उसके बाद ये आराम से आप लगा सकते हो। ये भी आपके बालों पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। मुझे इस तरह से फ्लावर वगैरह, इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। रोज़ तो वैसे मुझे बहुत 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 पसंद है, मेरी वीकनेस है रोज़ तो। और इसी तरह से ये भी मेरे पास पर्पल कलर का है फ्लावर, और भी मेरे पास डिफरेंट काफ़ी सारे हैं। ये देखें, ये मेरे पास मरून कलर का है और ये मेरे पास कैचर है ग्रीन कलर का।
और ये मेरे पास इस तरीके की येलो और पिंक हेयर बैंड है, ये आप जिसको पोनीज बोलते हैं, ये आप अपने हेयर पर लगा सकते हो। आप इससे बन भी बना सकते हो, अपने ब्रेड भी कर सकते हो, साइड पे भी ब्रेड कर सकते हो बच्चियों के, ये तब भी बहुत प्यारी लगती है, बैक पे भी कर सकते हो। और मज़े की बात यह है वो जो दूसरी वाली हेयर बैंड्स होती हैं ना, वो बच्चियों के बालों में फंस जाती हैं बहुत बुरे तरीके से, उससे उनके बाल खींचते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इससे आराम से आप बच्चों को लगा सकते हो, बच्चों की उतार भी सकते हो। इसके ऊपर यहाँ पर पिंस भी लगी हुई थी, छोटे छोटे वो टेडी बियर वगैरह बने हुए थे, वो टूट गए हमसे। अच्छा जी, तो ये मेरे पास कैचर है, इसके ऊपर भी इस तरीके के फ्लावर बने हुए हैं, और एक ये वाला भी है ब्लू कलर का फ्लावर, मैंने आप लोगों को दिखाना था। और ये जनाब हमारे पास हैं हेयर बैंड्स, ये भी हेयर बैंड है हमारे पास, और ये भी मेरे पास हेयर बैंड है। ये ऐसे हेयर बैंड्स हैं कि आप लोग कहीं जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है आप अपने बाल पीछे की तरफ कर लो, नहीं अभी तो मेरे ड्रेस के साथ ये मैच कर रहा है जैसे, तो अपने बालों को तरीके से पीछे की तरफ करके, और उसके बाद आप इसको इस तरह से लगा के आगे से आप हल्के हल्के बालों को निकाल सकते हो, और इस तरीके से आप हेयर बैंड लगा सकते हो अपने हेयर्स पर। ये भी बहुत ही प्यारा लगता है, आप देख रहे हो ना, ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। ये आपके हेयर को कोई टाइट वगैरह नहीं करता, लूज़ लूज़ से आपके हेयर्स रहते हैं इससे, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है ये, ठीक है। और उसके अलावा ये भी मेरे पास हेयर बैंड है, और ये मेरे पास डिफरेंट पोनीज़ हैं, ये देखें, ये इस तरीके से, ये देखें, ये फोर हैं, ये डिफरेंट कलर्स में मैंने ली हुई हैं। ये भी मैंने बच्चा पार्टी से ली थी, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। ये आजकल मतलब बहुत ही ज़्यादा इन हुआ हुआ है कि आप हेयर बैंड करके और उसके बाद इसको जो है वो अपने बालों पे ऊपर घिरा लगाते हो या किसी भी तरीके से, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हेयर बैंड्स हैं। और ये देखें, ये भी आपका जो है वो ये आप ऊपर करके और इस तरीके से गर्ल्स जो हैं वो इसकी ये नोट जो है ये ऊपर की तरफ आ जाती है, और ये जो इलास्टिक है ये बैक की तरफ चला जाता है। इसको पूरा आपको नेक में पहनना पड़ता है और उसके बाद ऊपर की तरफ करना पड़ता है ये। अच्छा जी, ये इस तरीके से, ये भी मेरे पास हेयर बैंड्स हैं डिफरेंट कलर्स की। ये आप देखो, जिस कलर का ड्रेस हो तो उसी कलर की, तो लड़कियों के पास तो हेयर बैंड होना बहुत 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 ज़रूरी है। और ये मेरे पास पिंस हैं छोटी छोटू सी, ये जब आप किसी भी कलर की आपने ड्रेसिंग की हुई होती है कुछ भी, तो आप उस कलर की यहाँ पर हेयर बैंड लगा, यहाँ पर ये जो है पिंस लगा सकते हो। बच्चों को भी बहुत ही प्यारी लगती है इस तरह के पिंस। आप बच्चों को इस तरीके से बालों को उनको ट्विस्ट देके और उसके बाद जो है वो ये पिंस लगा सकते हो, बहुत ही प्यारी लगती हैं ये भी आपके बालों पे। और ये देखें, ये इस तरह की पिंस भी मेरे पास मौजूद हैं, ये देखें ये वाली पिन, ये भी पिंक और ब्लू कलर के ड्रेस के साथ बहुत प्यारी लगती हैं। और ये देखें, ये मेरे पास टू पिंस हैं, एक टूट गई है, इसको मैं जो है क्या नाम है किसी भी गम वगैरह के साथ आपस में बाइंड कर लूँगी। और ये वाली मेरे पास है, ये वाली मेरे पास जोड़ा पिन मौजूद हैं, ये इस तरीके से निकल के और जोड़े के अंदर एडजस्ट हो जाती हैं आपकी बन में। और उसके अलावा ये वाले जो क्लिप्स हैं ये महरमा के हैं, ये आप ऊपर आराम से इसको जो है बच्चों को क्लिप लगा सकते हो हाफ बालों में, बहुत ही ज़्यादा प्रिंसेस टाइप लुक आती है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। और ये देखें, ये हर लड़की को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है छोटी छोटी पोनीज़ की, ये आप लेकर रखें बच्चों के लिए, और ये वो ब्रेड करती हैं, वो हेयर को ऊपर से बाइंड करती हैं जिस भी तरीके से, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हैं बच्चों को, ये भी आप अपने पास लेकर रखें। और ये देखें, ये मेरे पास थ्री और जो है वो बन के अंदर लगने वाली पिन है, जोड़ा पिन है ये, ये तीन मेरे पास जोड़ा पिन है, और एक ये वाली जो है ये मेरे पास पिन हैं, और ये छोटू सी जो है ये भी ईमान के बीच में लगी हुई है, आइसक्रीम बनी हुई है इसके ऊपर भी आइसक्रीम बनी हुई है, तो ये मेहरमा ईमान की मेरे पास पिन हैं। और वैसे ही देखें, ये भी बहुत ही प्यारी शाइनी सी, इसका इस तरह की मेरे पास ब्लू कलर में येलो कलर में भी मौजूद है, एक ये है, ये इस तरीके से बनाना क्लिप है, ये भी मौजूद है, इसमें भी तीन चार कलर्स मौजूद हैं, ये देखें, ये भी पिंस हैं, और इस तरह की भी डिफरेंट कलर में, इस तरह के डिफरेंट कलर में और भी पिंस काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं आपके ड्रेस के साथ, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हैं। आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, बालों पे कहीं पर भी लगाओ, आपके बालों पे बहुत प्यारी लगती हैं। एक आप लूज सा बन बना के उसके अंदर ये लगाते हो तो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी एक्सेसरीज बहुत अच्छी लगी होंगी, और चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, रब रखा।